हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं मृणालिनी और मैं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज के कुकिंग व्लॉग में मैं आपके साथ प्रॉन्स दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत आसान है। कोई भी दम बिरयानी बनाने से पहले हमें दो तीन चीज़ों की तैयारी पहले से करनी चाहिए, और वो है, एक तो जो बिरयानी राइस हम बनाने वाले हैं उसे हमें सबसे पहले साफ़ करके कम से कम आधे घंटे के लिए भिगोना पड़ेगा। उसके बाद हमें प्रॉन्स को मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, और तीसरा है क्रिस्पी फ्राइड अनियन बनाकर हमें रखना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी तैयारी कर ली है। यह रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर चलिए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो प्रॉन्स लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इनका वज़न 700 से 800 ग्राम होगा। इनके अंदर जो काला धागा होता है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया है और इन्हें अच्छे से 2-3 बार धो भी लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन्हें मैरिनेट कर लूँगी। ये है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 नींबू का रस। तो इस प्रॉन्स बिरयानी में हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं नींबू का इस्तेमाल करूँगी। तो नींबू डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और इन मसालों के साथ हमें प्रॉन्स को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन सारे मसालों में हमें प्रॉन्स को लगभग 25 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है, तभी ये प्रॉन्स अच्छे से फ्लेवरफुल बनेंगी। ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इन्हें ढक दूंगी और साइड में रखूंगी 25 से 30 मिनट के लिए। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडिया गेट बासमती का 1/2 किलो चावल लिया है, उसे अच्छे से साफ़ करके मैंने 1/2 घंटे पहले इसे भिगोने के लिए रखा था। अब ये पूरी तरह से भीग चुका है, और उसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 प्याज को लंबा लंबा कट करके उन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है, यानी कि हमने इसका क्रिस्पी फ्राइड अनियन बना लिया है। और उस पर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। यहाँ पर है खड़े गरम मसाले, जो आपके पास हो आप यूज़ कर लीजिए। ये है 2 प्याज जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 टोमेटो उन्हें भी उसी तरह से बारीक कट कर लिया है, यहाँ पर फ्रेश धनिया और पुदीना है उन्हें भी हमने कट कर लिया है, ये है तेज पत्ते और ये 4 से 5 हरी मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैं ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। उसी के साथ यहाँ पर मैंने पाउडर मसाले लिए हैं, वो मैं आपको यूज़ करते टाइम दिखा दूँगी। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच लिया है। तो अब सबसे पहले हम चावल बना लेंगे। चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 लीटर पानी एक कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस पानी को मैं गर्म होने दूंगी। अब इस पानी में मैं नमक डालूंगी। सबसे पहले नमक मैंने डाला है लगभग 3 से 4 चम्मच। इस पानी में नमक हमें ज़्यादा डालना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हम निकालने वाले हैं। तो ये सारे जो खड़े गरम मसाले हैं वो मैं इसमें डालूंगी, जिसमें तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिरी है। आपके पास और खड़े गरम मसाले हैं तो वो भी डाल सकते हो आप। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके डाला है, ये है हरा धनिया, और उसी के साथ पुदीने के पत्तों को भी मैंने काट कर इसमें डाला है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे चावल में। और यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू का रस भी इस पानी में डाला है, और नींबू का छिलका भी डाल दिया है। और उसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच तेल भी डालूंगी। तेल की वजह से हमारे जो चावल है वो बहुत खिले खिले बनेंगे। अब मैं इसमें उबाल आने दूंगी। उबाल आने के लिए मैंने इस पर ढक्कन रखा था, ताकि उबाल जल्दी आ जाए। तो अब हमें इसमें डालने हैं भिगोए हुए सारे चावल। नींबू का रस इसमें ज़रूर डालना, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो चावल है उसका कलर एकदम सफ़ेद आता है।
और बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है और हाई गैस फ्लेम पर ही मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लूँगी। हमें इस चावल को 60 से 70% ही पकाना है ताकि ये बिरयानी में डालने के बाद एकदम खिले खिले बने। बिरयानी का चावल बनाते वक्त हमें टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और इन सारे चावल को मैं एक छन्नी में निकाल रही हूँ। चावल को जितना नमक चाहिए था वो उसने सोख कर लिया है और बाकी नमक पानी के साथ बह जाता है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि चावल सिर्फ 60 से 70% ही पके। तो इस पतीले में मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो ये जो तेल है उसी में मैंने प्याज को तल लिया था, वही तेल हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेज पत्ते डालूँगी और उसके बाद बारीक कटे हुए 2 प्याज मैं इसमें डालूँगी। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना रहे हो तो प्याज की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा लीजिए ताकि मसाला अच्छे से बन पाए। अब मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाली है जो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ली थी। मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस बिरयानी में। यह है 1/2 चम्मच हल्दी। प्रॉन्स को मैरिनेट करते टाइम मैंने 1/2 चम्मच हल्दी यूज़ की थी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ टोमेटो डालूंगी। प्याज और टोमेटो की क्वांटिटी मैंने सेम ली है क्योंकि ग्रेवी का बेस यही है। तो अब मैं टोमेटो को भी सॉफ्ट होने तक फ्राई करूंगी। देख सकते हो अब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मैंने रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो होममेड अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सिर्फ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखना। तो यहाँ पर मैंने पाउडर मसाले लिए हैं, ये है बिरयानी मसाला 2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये है रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और ये है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डालकर इन्हें अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहो तो इसमें फिश मसाला या फिर मटन मसाला भी ऐड कर सकते हो 1-1 चम्मच। तो अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना डाल दिया है। इस बिरयानी में हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह पर मैं नींबू का इस्तेमाल करने वाली हूँ। प्रॉन्स के साथ दही नहीं खाया जाता, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो देखिए सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स ऐड कर दूंगी। ये प्रॉन्स बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, अब मैं इसे मसाले के साथ 2-3 मिनट फ्राई करूंगी। प्रॉन्स को इन मसालों में अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका जो रॉ स्मेल होता है वो चला जाए। और उसके बाद मैं इसमें हमने जो प्याज को तल लिया था उसमें से थोड़ा प्याज इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस की वजह से ये बिरयानी बहुत चटपटी बनेगी और हमें दही की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये है कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, इसे मैं हाथों की मदद से क्रश करूंगी और इसमें डाल दूंगी। कसूरी मेथी का स्वाद हर दम बिरयानी में बहुत अच्छा आता है। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। प्रॉन्स को मैरिनेट करते टाइम हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला था, तो अभी मैंने थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए पका लूंगी, इसलिए मैंने इसे ढक कर रखा है। देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो प्रॉन्स के मसाले को अच्छी तरह से पानी छूट चुका है और ये बहुत बढ़िया दिख रहा है और प्रॉन्स हमारी थोड़ी सी पक भी चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूखा सूखा नहीं बनाना है हमें इसमें अभी चावल ऐड करने हैं जो थोड़े से पकने बाकी है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसकी ग्रेवी बना ली है। अब ये 2-3 मिनट पकने के बाद हम इसमें पके हुए चावल डाल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें से थोड़े से प्रॉन्स और इसका जो मसाला है वो निकाल लूँगी। आज मैं इस दम बिरयानी के 2 लेयर्स लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाला और थोड़े से प्रॉन्स निकाल लिए हैं।
और अब मैं बाकी बचे प्रॉन्स को अच्छी तरह से पूरे पतीले में फैला लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी तली हुई प्याज और उसी के साथ हमारे 70% पके हुए चावल अब मैं इसमें डाल दूंगी। जितने चावल हैं उसमें से आधे मैं अब डालूंगी और उसके बाद हमने जो प्रॉन्स और उसका मसाला निकाल लिया है उसकी लेयर दूंगी। ये देखिए मैंने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। बिरयानी के चावल इतने खिले खिले बनने चाहिए तभी आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैंने इस पर जो निकाल लिया था प्रॉन्स का मसाला और प्रॉन्स वो भी डाल दिया है। अब फिर से मैं इस पर डालूंगी तली हुई प्याज, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसकी वजह से। और फिर से हमने जो बाकी बचे हुए चावल है वो इस पर डालने हैं। देखिए मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हाथों से फिर से मैं एक जैसा फैला लूँगी और सबसे आखिर में मैं इसमें थोड़ी सी जो प्रॉन्स बची हुई है और उसका मसाला वो भी इसमें डाल दूंगी और इसके ऊपर से हमने जो प्याज तली हुई है वो भी मैं डालूंगी। ये देखिए मैंने क्रिस्पी फ्राइड अनियन को इस पर डाल दिया है, उसी के साथ गार्निशिंग के लिए मैंने मिर्च डाली है और ये पीला फूड कलर है जो मैंने आज इस्तेमाल किया है। और ये है मेल्टेड बटर, वो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऊपर से डालूंगी। बटर की जगह पर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हमें इसे ढक देना है और इस पतीले के नीचे मैंने एक तवा रख दिया है ताकि हमारी बिरयानी पॉट को चिपके ना, उसका मसाला जले ना। अब इस बिरयानी को हमें लो गैस फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये देखिए 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब देखिए हमारी प्रॉन्स बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है। वाओ, ये एकदम खिली खिली बिरयानी एकदम टेस्टी बनती है। आप देख ही सकते हो चावल कितने अच्छे बने हैं, पीले कलर की वजह से इसको बहुत अच्छा लुक आया है और हमारा मसाला भी बहुत फ्लेवरफुल बना है। तो ये बिरयानी आप ज़रूर ट्राई करना गाइज, और कैसे बनी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर चलिए मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। ये प्रॉन्स दम बिरयानी बनाना बहुत आसान है और बहुत झटपट बन भी जाती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी प्रॉन्स दम बिरयानी कितनी खिली खिली बनी है और ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो ये कुकिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इस प्रॉन्स बिरयानी के साथ खाने के लिए मैंने ककड़ी, टोमेटो, प्याज और हरे धनिए का रायता भी बनाया है। इसमें मैंने दही नहीं डाला है क्योंकि प्रॉन्स के साथ हम दही नहीं खाते। मुझे यकीन है आपको ये कुकिंग व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर चलिए गाइज फिर मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।